स्वागत अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रज्ञेश स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां, तो एक बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी के सीएचएसएल का और यहाँ पर सीजीएल की जो वैकेंसी है ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुकी है। जहां पर हमने देखा था कि सीएचएसएल की 4700 प्लस वैकेंसी और सीजीएल की 6500 वैकेंसी के लिए एसएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था, जिनका एग्जामिनेशन हमारे अप्रैल और मई में होने वाला था। लेकिन खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसब्री से एसएससी के एमटीएस मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल एसएससी ने 2020-21 के एमटीएस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा था कि आगे आने वाले समय में, जैसा कि सभी को पता है कि सीईटी जो है इन सभी एग्जामिनेशन का प्री एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, तो सबके मन में एक डाउट था जिसको बिल्कुल यहां पर क्लियर किया है एसएससी ने कि भाई ये वैकेंसीज का जो प्री एग्जामिनेशन है वो उसके पहले ही होने वाला है और एमटीएस की जो वैकेंसी है यहां पर उन्होंने लगे हाथ क्या कर दी, नोटिफाइड कर दी है। नंबर हाफ वैकेंसीज तो अभी हमें बताई नहीं एसएससी ने, जो कि यहाँ पर आगे मेंशन है कि वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो एसएससी के एमटीएस की जो वैकेंसीज थी वो 9000 प्लस थी, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वैकेंसीज कुछ ऐसी ही देखने को मिलेंगी। और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे आज से, मतलब 5 फरवरी से। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 फरवरी से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 21 मार्च तक आप कर सकते हो। तो बिल्कुल आखिरी डेट का किसी को वेट नहीं करना है, क्योंकि एसएससी खुद एक नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है कि भाई लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप उसके पहले ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सारी चीजों को चेक करते हुए बिल्कुल करेक्ट तरीके से फिल कर दीजिए। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर जो दिखा रहे हैं वो आपको दिखाइए 21st ऑफ किसकी, ये टीयर टू की दिखा रहे हैं 21st ऑफ नवंबर की। वहीं पर अगर हम टीयर वन की डेट की अगर हम बात करें, जो टीयर वन की डेट है वो आपके सामने मेंशन है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई को। तो बिल्कुल आपके पास प्रॉपर तैयारी का समय है, क्योंकि आपका अप्रैल में जो एग्जामिनेशन सीएचएसएल का है, मई में एग्जामिनेशन, मई जून में एग्जामिनेशन सीजीएल के प्री का है, वहीं एमटीएस का जो एग्जामिनेशन है वो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई में होने वाला है प्री एग्जामिनेशन, जहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्री में क्या क्या आता है, होप सो सभी को पता होगा कि यहाँ प्री में मैथ्स या क्वांट्स आती है 25 क्वेश्चन की। प्री एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आते हैं क्वांट्स के, जिसके 25 मार्क्स होते हैं, 25 मार्क्स का होता है। वहीं पर हमारी रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस नाम से, और उसके 25 मार्क्स का वो होता है। जनरल अवेयरनेस आ जाती है हमारे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो कुल मिला के जो इसका प्री एग्जामिनेशन आप देखने को मिलता है वो आपको 100 मार्क्स का आपको प्री एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होने वाला है वो कब होने वाला है, 1st ऑफ जुलाई से लेकर 20th जुलाई 20 जुलाई के बीच में होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी भाई अपना फॉर्म जरूर भर दें और मन लगाकर इसकी तैयारी करें। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का जारी हो गया है। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो भाई एक सब्सक्राइब तो करना बनता है, जिससे आपको बेल आइकन पर क्लिक भी कर देंगे साथ में, तो टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी ऐसी ही इंफॉर्मेशन की। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, और क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको, क्या जानकारी होनी चाहिए इस बार के एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरते टाइम। तो सबसे पहले तो एक अगर हम बात करें जो एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, ऐसा बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारा एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अभी जो है वो नहीं पर बताया, लेकिन वो आगे आपको जाकर बता देंगे ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। कोई भी अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी विल बी मेड, ठीक है, तो वो आपको बता देंगे ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर में जाके। टेंटेटिव वैकेंसीज हमें अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ कि 9000 के या 7000 to 8000 9000 होनी चाहिए। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के होते हैं वो एज आपकी कैटेगरी वाइज वो वही है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं आगे एज ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर एज की बात करें तो दो एज यहाँ पर होती हैं, दो एज ग्रुप होते हैं। एक एज ग्रुप होता है हमारा 18 से, एक एज ग्रुप होता है हमारा 18 से 25। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये 18 से 25 क्या होता है,
और यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन से एज ग्रुप में, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से समझना है कि कुछ वैकेंसी जिसके अंदर ऐसी होंगी जहां पर गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसीज पर 25 ही लास्ट लिमिट होगी, और कुछ वैकेंसीज यहाँ ऐसी होंगी जिसमें आपकी जो लास्ट लिमिट होगी एज की वो 27 होगी। तो बिल्कुल आपको जितने भी बच्चे इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं वो इस डेट के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें और फॉर्म को फिल जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बता दें, जो आपको मैंने बोला कि एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल गवर्नमेंट क्राइटेरिया के थ्रू ही है कि SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे सकता है, मतलब इसमें 3 साल और जोड़ सकते हैं वो लोग। वहीं पर OBC कैंडिडेट के 5 साल, और OBC कैंडिडेट 3 ईयर्स के लिए भी यहाँ पर एज रिजर्वेशन के लिए रहते हैं। चलिए आगे बात करते, जो एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा, ठीक है। तो बड़ा चेंजेस आपको जो देखने को मिलेगा कि जो फोटो आप भरोगे ये साफ साफ मेंशन है SSC के फॉर्म में इस बार, और ऐसा इस बार मेंशन है इसलिए मैं आपको अलग से इसको बता रहा हूँ, ठीक है, कि SSC में जो इस बार आप फोटो लगाएंगे वो 3 मंथ से कम पुरानी चाहिए, 3 मंथ से कम पुरानी चाहिए। जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते हो या रजिस्ट्रेशन भरते हो उस डेट के अकॉर्डिंग 3 मंथ जो है उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और वो डेट फोटो पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ऐसा SSC ने बोला है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सो इसने उन्होंने बताया कि केवल मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड जिनका भी क्लियर है, 10th या 10th के ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो इसको जरूर फिल कर सकते हैं, यही यहाँ पर रिक्वायर्ड है। चलिए हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा हो सकता है, हाउ टू अप्लाई में। देखिए मैंने आपसे अभी जो बात बोली थी वही यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, और इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा कि भाई जो आपका फोटो है, जो भी आप फोटो लगाने वाले हैं वो फोटो आपकी नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए डेट ऑफ अप्लीकेशन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड फोटोग्राफ हैज बी टेकन शुड बी क्लियरली, जो फोटो है वहां पर मेंशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या कि जो भी डेट है वो प्रिंट होनी चाहिए फोटोग्राफ पर। तो मेरे भाई सभी लोग इसको प्रिंट जरूर करा लीजिएगा, अप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन दिस फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा क्योंकि SSC आपको दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं देगा फॉर्म को। तो भैया प्रिंट करने से पहले डिटेल्स को पहले पढ़िए समझिए एंड देन फिर ही फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है SSC में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर दें, एप्लीकेशन फी 100 रुपीज है जो कि हर बार होती है, लास्ट डेट आपको 23 पेमेंट की भी बताई गई है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 25 चालान के थ्रू आप 2 दिन का एक्सटेंशन आपको मिलता है। ये लगभग हमारे सारे जोन दे रखे हैं, जो भी हमारे 9 जोन होते हैं, 9 जोनों से जो 9 जोन होते हैं उनसे जो वैकेंसी जाती है ये उनके नाम दे रखे हैं, कौन कौन से नॉर्थन जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थन सेंट्रल रीजन जहां से आप फॉर्म फिल करेंगे, तो अपने जोन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, वहीं पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, वहीं पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, और ये पेपर 90 मिनट का होता है। मैं आपको बता दूं ये जो प्री का जो टीयर 1 का जो एग्जाम होता है SSC MTS में पूरे 90 मिनट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम आपके पास सफिशियंट होता है, तैयारी अगर पक्की हो तो आसानी से सिलेक्शन पाया जा सकता है। टीयर 2 इसके बाद होता है, लेकिन आपको अगर यहाँ पूछे कि सर निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.025 की निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर टीयर 2 में क्या आएगा, तो टीयर 2 में ऐसे और लेटर राइटिंग का जो डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है, यहाँ पर जो ऐसे एंड लेटर राइटिंग का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा साफ साफ लिखा है ना 50 मार्क्स का। इसमें आपको या तो शॉर्ट लेटर या ऐसे में से कोई एक चीज लिखनी होती है यहाँ पर, ठीक है, अपनी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आप वहां चूज कर सकते हैं, क्योंकि 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिख सकते हैं इंग्लिश के अलावा, ठीक। 30 मिनट का ये पेपर होता है, तो आप यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन देते हैं 50 मार्क्स का, तो ओवरऑल आपका 100 + 50 मतलब 150 मार्क्स का ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पैटर्न भी देख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको बस तैयारी करनी है, चैनल के जो सेशन वीडियो चल रहा है उसको लाइक भी करना है, और
जितने बच्चे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, सभी को लगभग मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं जो कि यहाँ पर हमें जरूरत है। फिर मिलेंगे ऐसे अपडेटेड न्यूज के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़िए। महिंद्रा पर डेली आपको 5:30 डेली, अगर हम आपको बता दें, महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही 5:30 से लेकर 9:30 तक SSC की क्लासेस रेगुलर चलती हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो 5:30 PM से 9:30 PM पर SSC की क्लास में जुड़ जाइए, सारे अपडेटेड पैटर्न एंड क्वेश्चंस के साथ आपकी तैयारी यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, साथ में जल्दी ST आपको सब अपडेटेड मिलती रहती है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।